नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाल मिनिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कला नामक योग का निर्माण कैसे होता है। जीवन में आपके सब कुछ है, धन संपत्ति पैसा, लेकिन परिवार में कला है तो सब कुछ भी नहीं है, यह जीवन दुखद हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा का हमारे हथेली में बड़ा महत्व है। इस पे सारी एक्टिविटी, सारी घटनाएं इसी पे हम देखते हैं। और ये मस्तिष्क रेखा, हम किसी गहरे विचारों में जब जाते हैं या सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और ये हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले हथेली में देखते हैं ये योग बनता कैसे। ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, और ये चंद्रमा का पर्वत है। ये चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का कनेक्ट सीधा हमारे मन से है, हमारी भावनाओं से है, हमारे विचारों से है, हमारी कल्पनाओं से है, और ये चिंताओं से भी है। जैसे कहते हैं ना कि ये चंद्रमा का पर्वत उठा हो, ज्यादा उठा हो, ज्यादा सोच नेगेटिविटी लेके आता है, और ये चंद्रमा का पर्वत उठा हो, ज्यादा उन्नत का हो, और इसी के ऊपर एक वृत्त बना हो, ये वृत्त हो, ये वृत्त बना हो, ये वृत्त बना हो, ये क्या करता है? कहते हैं ना किसी के सोच को बदलने में किसी का रोल होता है। अब इस चंद्रमा में यह वृत्त का बनना, कहते हैं ना जैसे कि चंद्र ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है तो मन की इच्छाओं में कमी लाता है, उसकी पारदर्शिता को खत्म कर देता है। यही हमारे ज्योतिष में ये एक स्तर को देखने का एक तरीका है। हमारी हस्तरेखा में ऐसे लोगों को जीवन काल में सब कुछ होते हुए इनको किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन इनका मन कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जब सोच ही हमारी गलत हो, हमारी भावनाएं ही गलत हो जाए, हमारे काम करने की शक्ति, हमारे सोचने और समझने की शक्ति में एक तरह का कला का योग बन जाता है। किसी न किसी तरह से परिवार में कष्ट, शादी के पहले परिवार में माता पिता के साथ बच्चा करता है, और शादी के बाद पत्नी और बच्चों के साथ कलह करता है, और इस कलह को अगर ये हमारी भाग्य रेखा है, ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, तो इस दोष से निजात मिलती है, राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।